टीचर्स, आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि बेंचमार्क को कैमरा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और एक जो स्टूडियो सेटअप करते हैं कि पूरा एक कनेक्टिविटी उसका कैसे होता है, कैसे कैसे स्टार्ट होता है और पैनल का कैसे व्यू लेता है। तो सबसे पहला मैं दिखा रहा हूँ आपको ये बेंचमार्क का ये कैमरा रखा हुआ है, यहाँ पर लैपटॉप है और ये इसका माउंट है। सबसे पहला हम इसको पावर देते हैं, ये इसके साथ एडॉप्टर आता है, इसको पावर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको इसको प्यार से खोल लेना है ये, और इसको लगा देना है प्लग पे। ठीक है, ये लग गया हमारा प्लग पे, अभी पावर ऑन नहीं करना है। दूसरा आप ये देख सकते हैं इसके पीछे पॉट है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज लिखा होगा 12 वोल्ट का, इसको लगाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन है। इसके पीछे M6 नट होता है जो कि आपके ट्राईपॉड पे लगता है, और साथ में USB 3.0 है। तो ये 3.0 है, अलग अलग दो साइज में आते हैं, एक 5 मीटर और ये 1.5 मीटर। तो अभी हम 1.5 मीटर वाला लगाते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी अच्छा रहता है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ये वाला केबल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये कैनन का लगा हुआ है, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये ध्यान रहे कि आप रिमूव करते टाइम कैमरा को ढीला ना छोड़ें, या फिर इसको आप ऐसे उंगली में फंसा लें सो दैट कि गिरे नहीं। देखा, अभी गिरने वाला था, मैंने फंसा लिया। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके लेंस को तब खोलें जब प्रॉपरली लग जाए। अभी मैं इसको फिर से रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ये घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नट है आप देखें अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लें, ये जब आप करोगे तो खुद ही पता लग जाता है। तो इसको आप राइट हैंड में घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको ले लेता है इस। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे टाइट हो जाए इसको, आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। हम फिर से कनेक्ट करेंगे पावर केबल और USB 3.0। ये हमारा USB 3.0। अब आते हैं हम सीधा, इसको कर देते हैं सीधा। और ये जो लेंस है इसका जो हाइट होना चाहिए हमारे फेस के अकॉर्डिंग, इसको अपने अपने फेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसको होल्ड कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा लैपटॉप पे। ये वाली जो USB केबल है आपके लैपटॉप के पोर्ट पे चली जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा पास में आके दिखा देंगे, यहाँ से आ जाइए। अब इसमें आपको डाउनलोड करना है OBS सॉफ्टवेयर। सबसे पहला यहाँ देखिए पावर ऑन कर लेते हैं, पावर ऑन करने के बाद इसमें लाइट जल जाएगी और एक कैमरा मूव होगा, ऑटोमेटिक मूव होगा, देख सकते हैं। तो जैसे ही लाइट जल गई है ये ऑन हो रहा है, ये जैसे ही स्टेट हो जाता है ये अब कैमरा ऑन है। अब हम इसको सॉफ्टवेयर से ऑन करेंगे, यहाँ पे भाई दिखा देंगे। इसमें हमने OBS सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप नहीं करा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डबल क्लिक करना है आपको, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, आप यहाँ पे पास में आएंगे। इसके लिए वैसे मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, फिर भी मैं एक बार अगर कर रहा हूँ तो इसको दिखा देता हूँ। वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाना है आपको, यहाँ से सेलेक्ट करना है डिवाइस, HD कैमरा डिवाइस सेलेक्ट करना है और इसको अलाउ कर लेना है। आप इसको ओके कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो कैमरा का व्यू आप देख रहे हैं ये प्रॉपरली आ गया। अब पीछे हमारा पैनल लगा हुआ है, इसको हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। वैसे अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग जैसे मूव करेंगे, आप अपने पैनल के अकॉर्डिंग इसको सीधा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कैमरा कनेक्ट हो चुका है। दूसरा, अगर आपने ऑडियो लगा रखा है तो यहाँ से ऑडियो कैप्चर डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊँ आपको, इधर पैनल लगा हुआ है, हाँ ये आपका पैनल भी बेंचमार्क का पैनल है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मोबाइल इसके थ्रू कैमरे के थ्रू हम इसको पूरा सेट करते हैं, जैसे पूरा बोर्ड ये देखेगा जिससे। ठीक है, इसको हाइट देना, हाइट दे सकते हैं आप, कम ज़्यादा जो भी करना है, मूव करना है, इस तरीके से आप इसको हाइट दे सकते हैं। तो इसका प्रॉपर सेटअप
मैंने जो कनेक्टिविटी होता है वो कैसे होता है वो बताया, अभी इसको सेट कैसे करना है, क्या करना है, वो रिमोट के थ्रू में करके आपको पूरा एक कंप्लीट बना के दिखा दूंगा। तो यही था कि कैसे कनेक्ट होता है, कैमरा का व्यू कैसे आता है, आप देख सकते हैं इसमें, दिखाएं आप मुझे मॉनिटर में। तो ये जो भी चीज़ें मैं दिखा पा रहा हूँ, ये मैंने कैमरा कनेक्ट कर दिखाऊँ, इस तरीके से आप चारों तरफ ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। तो इसका एक कंप्लीट मैं रिमोट के साथ कैसे चलता है, कहाँ पे सेट करना पड़ता है, वो भी बना देता हूँ। तो फिलहाल के लिए यही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।